हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप जियो का रिटेलरशिप बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं हूँ साबिर और आप देख रहे हैं hindi.net। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर जियो का रिटेलरशिप लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड लेना पड़ेगा, बेशक ज़रूरत है। तो आप इस यूज़र आईडी पासवर्ड कहाँ से लो? आपको आप बिगिनर से, आप नया है, आपको मालूम नहीं कहाँ से लेना है, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जहाँ स्टोर पर रिचार्ज करते हो आप यहाँ पर जाइए और जाके उस बंदे को पूछ लीजिए, भाई मैं रिटेलरशिप लेना चाहता हूँ, आप कहाँ से लिया है? तो ये बंदा आपको बता देगा कि एजेंट का पास जाना होगा। तो एजेंट कहाँ है वही बंदा आपको बता देगा कि आपका जो शहर है या गांव है, कहाँ इस एजेंट का स्टोर है, आप यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस यहाँ पे जाने से पहले आपको वोटर आईडी, पैन कार्ड, या अगर आपके पास आधार कार्ड है, और उसके बाद ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा आपका पंचायती से, और उसके बाद आपका जो शॉप है, शॉप का एक सील चाहिए। अगर आपका छोटा मोटा दुकान है तो आपको सील बनवाना पड़ेगा। तो इसके अलावा आप जाते हो तो आपका टाइम यहाँ से बेकार हो जाएगा, आप यहाँ से फिर निकल के आना पड़ेगा। उसके बाद पहले वो चीज़ आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही जाना पड़ेगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मेरा भी ऐसा हुआ था। मैं 3 दिन से जो सिर्फ एक ही चीज़ को ढूंढ रहा था, जैसे कि ट्रेड लाइसेंस, उसके बाद सील, वो अलग अलग जगह से मैं ढूंढा हूँ और लेके आया हूँ। तो मेरा काफ़ी टाइम लग गया। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको टाइम बचे और जल्दी से जल्दी आप रिटेलरशिप ले सकोगे, तो आप ये भी जान लीजिए कि अगर इसका रिटेलरशिप लेते हो तो कोई कंपनी आपको, कोई कंपनी नहीं, कोई भी एयरटेल, अगर वोडाफोन, कोई भी अदर्स कंपनी आप रिटेलरशिप लेते हो तो आपको कितना मिलता है? 2.5 से 3 पॉइंट तक ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे जियो आपको दे रहा है 6.5। तो जियो के ज़रिए आप आसानी से इनकम कर सकते हो, अनलिमिटेड। तो इसके लिए आप वही चीज़ लेके जाओ और जाके एजेंट के पास आप उसको दो। उसके बाद आपको सिग्नेचर चाहिए, बहुत सारा सिग्नेचर देना पड़ता है, और उसके बाद आपको फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो भी लेके जाओ। करीब 8 फ़ोटो दिया था, तो आप जाके पासपोर्ट साइज 8 फ़ोटो लेके जाओ। तो आपको ये चीज़ रख लेगा, और उसके बाद आप जो जीमेल दिया है या आप जो मोबाइल नंबर दिया है उसके ज़रिए आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको दिया जाएगा। तो ये देखिए, मेरा जो यूज़र आईडी है और मेरा पासवर्ड मेरे अंदर ही है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा देता हूँ, शायद आपको और भी जानकारी आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। तो लॉगिन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मेरा जो जियो पोस्ट प्लस है। तो ये जियो पोस्ट प्लस आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है, ये प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलेगा। मैं ये भी वीडियो आपको जल्दी ही डाल दूंगा। तो आप पहले रिटेलरशिप लीजिए, और जैसे ही आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका आ जाएगा, उसके बाद ये ऐप्स का काम है। ओह सॉरी, मैं और एक बात बोलना भूल गया था कि आप अगर आपको पहले से जियो का सिम लिया है तो आपको और आसानी हो जाएगा। तो आपको पहले से जियो का सिम है तो आप और भी आसानी से जल्दी आप रिटेलर बन सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरा जो है अभी जियो टॉप अप पर जाता हूँ। तो अगर आप रिटेलरशिप ले लिया तो उसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे आपको देना है आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड देख के मैंने लॉगिन हो गया, और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से रिचार्ज करना है।
शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि अगर सही सही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं तीन डॉट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हो जियो का सिम घर बैठे आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप इसके ज़रिए कर सकते हो, लेकिन ये अलग प्रोसेसिंग है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा शायद। तो पहले आपको बता देता हूँ कि अगर इसके ज़रिए फ्रेंड मैं यहाँ से रिचार्ज कैसे कर सकता हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पे जियो GST रजिस्ट्रेशन का नीचे है जियो टॉप अप रिचार्ज, जैसे ही उस पर क्लिक किया तो देखिए इस तरह से इंटरफेस आपका सामने आ जाएगा। शायद मेरा बैलेंस अभी थोड़ा कम है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ रिचार्ज पर क्लिक किया, और रिचार्ज पर क्लिक करके 755 मान लीजिए मेरा को जो भी नंबर है मैं जियो नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। उसका बाद कॉन्फर्म जियो नंबर दोबारा डालना पड़ेगा, और उसका बाद ब्राउज़र प्लान आप कितना लेना है, 399 या जियो का। अगर आपका पास सिर्फ जियो फ़ोन है तो आप 5049 या 153, अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो यहाँ पे ब्राउज़र प्लान पर जैसे ही आप यहाँ पे जियो नंबर देख के क्लिक करोगे तो आपके सामने फुल्ली इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपको कितना रिचार्ज करवाना है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करेगा उसके बाद आपका सामने जो कितना रिचार्ज करना है उसको सिलेक्ट करके आप क्लिक करोगे तो आपको फिर से बोलेगा कि आपको कैश देना है, तो प्लीज़ कैश पर क्लिक कीजिए, बस आपका रिचार्ज हो गया। तो बहुत आसान है और इसके ज़रिए आप बहुत सारा इनकम कर सकते हो, ये भी अच्छा सोर्स है। और ये कंपनी मेरे को 6% सॉरी मेरे को नहीं, सबको 6.5% करके दे रहा है, तो मेरे को लगता नहीं कोई और कंपनी इतना सारा रिचार्ज कंपनी आपको इतना पॉइंट देगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।